आइए हम सबसे पहले शमीज़ सिलना सीखते हैं। सबसे पहले हम ये जो क्रोस पट्टी है या उरेप पट्टी है इनको आपस में जोड़ते हैं। इनको जोड़ने का तरीका है, ये स्लांट साइड है और इसकी भी स्लांट साइड है, दोनों आपस में स्लांट साइड को तिरछी साइड को ऐसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद इनको थोड़ी इस तरह बाहर रखिए और इधर से भी बाहर रखिए। अब इनको आपको उठाकर ऐसे पकड़ना है, यहाँ देखिए कि ये बराबर होनी चाहिए। अब हम इन पट्टियों की सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए ऐसे करके ध्यान रखिए कि ये कपड़ा इस जो मशीन का फुट बोलते हैं इसको, इसके बराबर में चलेगा तो हमारी सिलाई एक जैसी आएगी। और सिलाई लगाना शुरू करने से पहले हमेशा थोड़ा सा चलाकर उसको लॉक करेंगे ताकि हमारी सिलाई खुले रहे, और एंड पर भी हम थोड़ा लॉक करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी पट्टी भी जोड़ लेंगे। अगर आपको ये तिरछी पट्टियाँ नहीं जोड़ना आ रही है तो आप इनको ऐसे रखकर सीधी काट कर भी आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन वो तिरछी लगाने से पट्टियों का लुक अच्छा आता है और जुड़ते वक्त भी अच्छी लगती है। कई बार इस तरह से हो जाता है कि हमारी पट्टियाँ दोनों पोर्शन ऐसे क्रॉस हो जाते हैं, तो हम इसको इसके ऊपर इस तरह से रखकर टेलर चौक की मदद से निशान लगा देंगे इस पर, या एक पिन लगा लेंगे। और फिर ऐसे कटिंग कर लेंगे एक पट्टी के शेप जैसे, और उनको आपस में पकड़कर जोड़ लेंगे। इस तरह से हम ये उरेप पट्टियों को आपस में जोड़कर एक लंबी पट्टी के बाद बनाना ये स्लिप लेंगे और इसके एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ से ये कंधे पर सिलाई लगाएंगे। पहले हम पिन लगा लेंगे, या आप चाहें तो कच्चा सुई धागे से सिलाई कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट लगा सकते हैं तो डायरेक्ट लगा लीजिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर सिलाई की सिलाई में हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, इस फुट से थोड़ा ज़्यादा की तरह लेंगे। दूसरे वाले कंधे पर भी लगा देंगे। इस सिलाई को हम डबल कर लेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। अब हम इसे खोलकर आर्म होल पर ये उरेप पट्टी लगाएंगे। इस उरेप पट्टी को हम ऐसे डबल कर लेंगे और ये जो दोनों खुली साइड है इसकी खुली साइड से मिलाकर ऐसे सिलना शुरू करेंगे। जुड़ी हुई साइड इस तरफ रहेगी और खुली साइड इस तरफ रहेगी। इस तरह से हम आर्म होल पर पट्टी लगाएंगे। हम सिलाई का वापस ध्यान रखेंगे कि हम इसके बराबर ही चलेंगे, हमेशा थोड़ा लॉक कर लें सिलाई को, मतलब दोबारा चला लें, बंद कर लें ताकि वो खुले नहीं। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, इसको बिल्कुल भी आप खींचे नहीं, बहुत आराम से इसको रखें, बिल्कुल धीरे धीरे, और किसी भी को भी आपको खींचना नहीं है। और इसके पैरेलल पैरेलल इसके बराबर बराबर आप ऐसे सिलाई लगाएंगे। तीनों कपड़े बराबर रहें
आर्मोर का और ये दोनों उरेब पट्टी का। इस तरह से तीनों पल चलते रहे। ये जो सिलाई है इसको ऐसे खोल लें और ऐसे फुल फोल्ड करो, जो जॉइंट लगाया था हमने पट्टी का उसको। ये कॉर्नर जो निकल रहे हैं इनकी कटिंग इस तरह से कटिंग करो। अब हम इसको इसके बराबर यहाँ काट लेंगे और ये जो गोलाई वाली है, जो गोलाई वाली जगह है यहाँ पर हम कट लगा देंगे ताकि वो कपड़ा फैल के पट्टी एकदम आराम से लग जाएगी। ध्यान रखें कि हमारी सिलाई नहीं कटे, सिलाई के एकदम पास तक हमारे कट लगे। अब इसके बाद हम इस पट्टी को यहीं से इस तरफ मोड़ लेंगे, देखिए इस तरह से, और इस पट्टी के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई का जरूर ध्यान रखें, इस कपड़े स्लिप जो है उस पर नहीं आए और इस पट्टी पर ही लगे। आप मशीन को थोड़ा धीरे धीरे चलाएं। यहाँ से ये भी ध्यान रखें कि वो इस तरह से हो, थोड़ा सा भी ऐसे ना हो। ये देखिए, अब इसी तरह हम दूसरे वाले आर्मोर पे भी लगाएंगे। फिर से गोलाइयों पे कट लगाना है। फिर से दाब टिप लगानी है। दाब टिप लगाने का एक फायदा होता है कि ये पट्टी अच्छे से बैठ जाती है। अब जो कुछ एक्स्ट्रा कपड़े निकल रहे हैं इनकी ऐसे कटिंग कर लेंगे। ध्यान रखें कि हम उरेब पट्टी नहीं काटेंगे, जो अंदर से जो कपड़ा निकल रहा है सिलाई लगाई वो उसकी कटिंग करेंगे। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिनिशिंग के लिए हम ये कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको पलट कर ये वाली सिलाई लगाएंगे। अब ये पट्टी ऐसे है तो इसको हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे कि स्लिप की दर बिल्कुल बाहर की तरफ, इस तरफ बिल्कुल नहीं दिखे और पूरी अंदर की तरफ चली जाए। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई का ध्यान रखें कि यहाँ किनारे पर हो, किनारे से उतरे नहीं और किनारे के ज्यादा इधर भी नहीं हो। कोशिश करें कि वो एक ही तरफ लगती रहे। ये उरेब पट्टी है तो देखिए गोलाइयों पर भी एकदम से मुड़ जाती है। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी लगा देंगे। इसी तरह से अब हम इस गले इसको वापस सीधी तरफ कर लेंगे, अपने मशीन के फुट को उठाएंगे और इसे बीच में ले आएंगे। अब हम ये गले पर उरेब पट्टी लगाएंगे। अब हम गले पे उरेब पट्टी लगाएंगे।
गले पे उरे पट्टी लगाने के लिए पट्टी अगर तिरछी है तो इसको एकदम सीधी काट लेंगे इस तरह से, और इसको ऐसे फोल्ड करके लगाना शुरू करेंगे। तरीका वही रहेगा, इसका ध्यान रखें फुट का, और पट्टी को बिल्कुल उरे पट्टी को बिल्कुल नहीं खींचे। कपड़ा मशीन पर ही रहे, इधर उधर नहीं गिरे। अब हम इसको इस कपड़े से ऊपर की तरफ ले लेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये उरे पट्टी हो गई। अब यहां हम कट लगा देंगे गोलाई वाली जगह पर। ध्यान रखें आपकी सिलाई नहीं कटे, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब इस पर भी हम दापटी वाली सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी है इसको इस तरफ फोल्ड करके इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगाने लगे। इस पट्टी को इस तरफ खींचते हुए आप ध्यान रखें। अब इसको यहां से निकाल कर फिर हम पलट देंगे उल्टी साइड। अब हम इसको ऐसे पलट के अंदर की तरफ यहाँ किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमारी गले में भी उरे पट्टी लग जाएगी और इस तरह से हमारा गला बन जाएगा। जो एक्स्ट्रा धागे हैं उन्हें काट लेंगे।
अब हम इसे सीधा करके देख लेंगे। इस तरह से हमारे शरीर मींस का स्लीप का गला और आर्मोर तैयार है। अब हम इसकी फिटिंग देंगे। फिटिंग देने के लिए हमें वापस इसको उल्टा करना है। उल्टा करके जिसे हमने कटिंग की थी चार फोल्ड कर, उसी तरह से हमें इसको भी चार फोल्ड कर लेना है। यहां से ध्यान रखें एकदम बराबर हो। आपको जिस तरह से बैठता है ऐसे बैठता है तो ऐसे अपना हाथ कर लीजिए। बस ध्यान रखें कि ये सब तरफ से बराबर रहे। अब हम सिलाई का निशान लगाएंगे कि हमें कहाँ सिलाई लगानी है फिटिंग के लिए। इसके लिए हम सबसे पहले आर्म होल के जस्ट पास यहाँ पर से सिलाई लगाएंगे। तो हमने हमारा सीना जो था वो 32 इंच था, उसका चौथा हिस्सा हमने किया था। चौथा हिस्सा आता है 32 का 8 इंच। 8 इंच और उसमें आधा इंच प्लस और कर लेंगे 8.5 इंच। इस तरह से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे 8.5, सीने का चौथा प्लस आधा इंच। जस्ट आर्म होल के यहां से ये निशान लगेगा। इसके बाद हमारी कमर लंबाई, ये हमने आ रहा है कमर लंबाई का, जब हमने कटिंग की थी तब निशान लगाया था तो ये वो निशान है। यहां पर हम कमर गोलाई का चौथा प्लस 1/4 इंच लेंगे, आधे से ज्यादा 3/4। तो हमारी कमर गोलाई थी 26 इंच, 26 इंच का चौथा आता है 6.5 इंच। 6.5 में प्लस 1/4 इंच करना है तो 7.25 हो जाता है। इस तरह से ये हमारा 7.25 इंच हुआ। यहाँ पर एक ऐसे निशान लगा देंगे। इसके बाद हमारी सीट लंबाई, तो हमारी ये सीट लंबाई का निशान हमारा जब कटिंग की थी तब लगाया था वो है। यहाँ पर भी हम सीट गोलाई का 1/4 प्लस आधा इंच करेंगे। सीट गोलाई हमारी 36 इंच है, 36 इंच है, 36 इंच का चौथा हिस्सा 9 इंच आता है, उसमें आधा इंच प्लस करेंगे तो 9.5 इंच। आप चाहे तो प्लस करें, यहाँ पे वैसे प्लस नहीं भी करेंगे तो भी हमारा इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि यहाँ से हमारे स्लिट खुल जाते हैं तो उसमें हमारे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो हमने मैं यहाँ पर सीट का चौथा हिस्सा ही ले रही हूँ, सीट गोलाई का चौथा हिस्सा। सीट गोलाई थी हमारी 36 इंच, उसका चौथा हिस्सा 9 इंच। अब हम ये गोल शेप वाले स्केल से आपस में इन सब निशानों को मिला देंगे। इस तरह से देखिए, ये जो सीने का निशान है इसको कमर के निशान से गोलाई से ऐसे निशान लगाएं। अब हम कमर से सीट तक का गोलाई का निशान लगाएंगे। तो ये जो स्केल की सीधी साइड है और ये गोल वाली साइड, तो हम गोल वाली साइड पकड़ेंगे और उससे निशान लगाएंगे। ऐसे हम ये सिलाई कर जाए, एक और इसके पैरेलल पैरेलल डिस्टेंस पे थोड़ी दूरी पे निशान लगा देंगे। दो सिलाई लगाएंगे ताकि कभी हमें लूज करना रहा, लूज ना भी करना रहा तो थोड़ा ड्यूरेबल रहे इसके लिए, लेकिन यहां पर आकर एक ही कर देंगे। अब सेम हम इसी तरीके से या तो इसको उठाकर ऐसे पलट देंगे और उस पर ट्रेस कर देंगे निशान, क्योंकि टेलर चौक का निशान जो है वो ट्रेस हो जाता है, छप जाता है। इसको थोड़ा ऐसे पुश करेंगे, ये देखिए इस तरह से ये निशान इस पर आ गया। इसको हम वापस थोड़ा डार्क कर लेंगे। अब हम इसकी सिलाई लगा देंगे। जो टेलर चौक का निशान लगाया है वहीं पर उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे।
यहाँ आकर ये सीट का निशान है हमारा, यहाँ आकर हम रुक जाएंगे और इस कपड़े को लॉक कर लेंगे। अब हम इसके थोड़ी सी दूरी पे इस फुट का ध्यान रखिए, इसके बराबर डिस्टेंस रहे, और एक और सिलाई लगाएंगे इसी के बराबर बराबर चलेंगे। अब यहां आकर ये सिलाई हम इसी सिलाई में मिला देंगे, सीट के यहां पर दो सिलाई नहीं करेंगे। ऐसे यहां से सिलाई लगाएंगे जो इससे सिलाई से दूर रहेगी, सीने के यहां पर, कमर के यहां भी दूर रहेगी, और सीट के यहां आते हुए वो एक हो जाएगी। अब ऐसे ही हम दूसरी तरफ सिलाई लगा देंगे। आप इसे यहां से घुमा कर भी बाहर की तरफ हमें सिलाई लगानी, तो यहां तो इक्वल चलेंगे, फिर धीरे धीरे हमें दूर होते हुए कमर के यहां, यहां इस फुट का ध्यान रखें कि इसके बराबर बराबर हम चलेंगे। ऐसे हमारे स्लिप की दोनों साइड में इधर भी और इधर भी सिलाई लग गई। ये हमारी सिलाई स्लिप की फिटिंग को सीधा कर लेंगे और फिर हम इसके स्लिट मोड़ेंगे। स्लिट या चाक, चाक भी बोल सकते हैं, स्लिट भी बोल सकते हैं। इन स्लिटों की सिलाई लगाएंगे। स्लिटों की सिलाई लगाने के लिए हम पहले इनको यहां से, ये देखिए ये जो जगह है यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बराबर, ये जो सिलाई है अगर यहाँ पर डबल सिलाई रहेगी तो गड़बड़ होगा, एक ही सिलाई थी इसलिए ये बिल्कुल सही है। अब ये हम ऐसे चाहे तो आप प्रेस भी कर लो इस तरह से, और चाहे आप सुई धागे से कच्ची सिलाई भी लगा लो, आपसे जैसा हो सके वैसा करें। मैं यहाँ पिन लगा रही हूं, ऐसे ही मैं ये दूसरी साइड भी कर लूंगी। ये जो हमारी साइड की सिलाई है यहां से ऐसे पिन लगा लेंगे और फिर हम इस पर मशीन से सिलाई लगाएंगे। अब हमने जो फोल्ड किया है स्लिप, इसको एक बार और अंदर की तरफ फोल्ड करना है ऐसे। पहले हमने सिंगल बार फोल्ड किया था, ये दिख रहा है, अब हम इसको एक बार और अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ एकदम किनारे सिलाई लगाएंगे। यहाँ का जरूर ध्यान रखें कि ये चीज पूरी ऐसे खुल के यहाँ हो। यहाँ आकर हम जो स्लिप का खत्म होता है हमारा, सिलाई शुरू हो जाती है, वहां आकर हम रुक जाएंगे और नीडल को ऐसे अंदर कपड़े के अंदर रखेंगे और पीछे से ये जो फुट है इसको उठाएंगे, फुट इसे बोलते हैं, और पीछे ये होता है उठाने का, इससे उठा लेंगे और ऐसे सीधा टर्न कर लेंगे इसको, एकदम मुड़ा देंगे और फिर हम वापस इसको अंदर फोल्ड कर देंगे। यहां तक आएंगे, फिर हम नीडल अंदर रखेंगे तो उठाएंगे और ऐसे टर्न करेंगे, इससे हमारे कॉर्नर जो हैं वो एकदम अच्छे फिनिशिंग से बन जाएंगे। कपड़े को वापस अंदर करना है। इनको जब भी आप फोल्ड करें जरूर ध्यान रखें कि इसको ऐसे खींचे नहीं, बिल्कुल आराम आराम से इसको रखें। अगर आप इसे खींचेंगी तो ये कपड़ा यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, आपकी सिलाई गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। यहां आकर रुक जाएंगे तो वो अंदर रखेंगे तो उठाएंगे फुट को, वापस ऐसे चरखेंगे, यहां वापस फोल्ड करते हुए
यहाँ पे आते हुए आप धीरे धीरे मशीन को हाथ से चला लें, फिर वापस निडल अंदर रखें, फुट को उठाकर घुमा लो, इसको वापस फोल्ड करें। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ये बहुत आप खींचे नहीं, प्रेशर नहीं दें इस पर, आराम से। ऐसे ये सिलाई हमारी यहाँ से एकदम सीधी और एकदम अच्छे, देखिए यहाँ पे एकदम कॉर्नर से बने हैं चौकोर, क्योंकि हमने निडल अंदर रख के उठाकर करा था, और ये इस तरह से चलेगा। ऐसे हम ये सिलाइयाँ दोनों तरफ लगा लेंगे। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है हमारा, इसको फोल्ड कर देंगे। हमेशा शुरू करते हुए लॉक करें, ये वापस एक और पार्ट हम ले लेंगे। ऐसे हमारा स्लिप तैयार है।